ट्रांसजेंडर, तो ये समझ देन के लबैक वाले एहतजाज करेंगे। ये एहतजाज तो बड़ा छोटा काम है, हुण तैयारी करो, हुण तुहानू तुन के रख छड्डा। और तवज्जो 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 करो, मैं बेहोश नहीं हूं, मैं हालत होश में बात कर रहा हूं। और वो वक्त भी चला गया जब हम अपनी पीठें आगे कर देते थे जी कुटो, और किसी ने इंच की कोशिश की थी तो उसकी ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। और ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है, जहां हमारा दिल करेगा हम लबैक की बात करेंगे। हक बात करने के लिए जरूरी नहीं है कि बंदा सूबाई असेंबली में जाए या कौमी असेंबली में जाए फिर ही जाके हक गल कर सकता है। नहीं, 17 के अंदर जब नून लीग ने खत्म नबूवत के कानून पर डाका मारा तो एक मस्जिद है लाहौर की, उसका नाम है रहमतुल्लिल आलमीन, छोटी जी मस्जिद है, वहां बैठकर फैसला हो रहा था जी जनाब क्या करना चाहिए। इतना बड़ा हमला हो गया खत्म नबूवत पर, कानून को बदलने की कोशिश की गई तो क्या करना चाहिए। तो एक मुजद्दिद और एक गैरतमंद फकीर कहने लगा, उन्हें क्या मीटिंग क्यों करते हो, बस मेरी व्हील चेयर नु चुको जाना चाहिए, बस सिर्फ इतना काम लिया मेरी व्हील चेयर। फिर उसने कहा साजी किधर मोड़नी है, पर मैं फैजाबाद वाल मोड़नी है। और किधर मोड़नी, फैजाबाद वाल मोड़नी और क्यों मोड़नी है, कहते हैं किस, कहते हैं एजेंसी के कहने पर खादिम रिजवी को तैयार किया गया और तुहाडी मिन्नत करते हैं एक और खादिम रिजवी दे छोड़ो सानू। तो ये जरूरी नहीं है कि कौमी असेंबली में जाए और असेंबली में जाए तब जाकर बात हो, बात करने वाले हो तो वही चेयर पर भी बात हो सकती है। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि इश्तिहार में नाम आएगा साडा नाम नहीं लिखा, इन्होंने दाता साहब रशीद कहते हैं ये लबैक की बातें करते लिहाजा इन्हें को तकरीर नहीं करवानी। तो जब हम जा रहे थे तो मुझे सिक्योरिटी ने हुक्म दिया जी तुम पहले स्टेज पे जाओ, तो इतने धक्के लगे हुए थे कि मेरा इमामा भी इंज होया सी, तो इमामा इंज कपड़े बटन खुले, तो जब हुकूमती लोगों की नजर हम पर पड़ी तो मैंने कहा बाबा टेंशन ना लो, असल तो पीछे आ रहे हैं। अब वो तो पीछे आ रहे हैं, मुस्तनद रस्ते सिर्फ वही माने गए जिनसे होकर। रात को भी इशारा मिला है, बुजुर्गों ने कहा कि रबीउल अव्वल भूखे सारा, मैं कहा जी भूखे, कहने तैयारी फड़ो। मुस्तनद रस्ते सिर्फ वही माने गए। आप कहते हैं जी होंड लबैक वाले क्यों नहीं निकले, मैंने कहा बच्चे तुम निकलने की बात करते हो तू वेट अंदाजा कर, बस सिर्फ प्लानिंग हो रही है और वक्त आने वाला है इंशाल्लाह। ये शहबाज शरीफ का बिस्तर भी गोल होगा इंशाल्लाह यहाँ से।